नमस्कार, मैं हूं अर्जुन। आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मधुबनी पुलिस आजकल अपने कारनामे की वजह से काफी चर्चे में है। खासकर झंझारपुर तो इसका केंद्र बिंदु बनकर रह गया है। मधुबनी पुलिस की वजह से आम लोगों की नजर में पहले से ही न्यायपालिका और पुलिस आमने सामने है। अब पुलिस और पब्लिक भी आमने सामने आ गए। कह देते हैं एक दो ऐसा आदमी आया है यहाँ आपका अतीत है जो करवाया है। जरूरी है कि क्योंकि इनके तरफ से जो बात कुछ बातें हमको कही गई है, उनके तरफ से कुछ बात है, जब हम इसका पूरी तरह इंक्वायरी ना कर लें तब तक उस पर कहना जल्दी बाजी। पुलिस और पब्लिक की ये आमने सामने आने की घटना आज बिहार पंचायत चुनाव के आठवें चरण में होने वाले मतदान के दिन झंझारपुर के चनौरागंज पंचायत में देखा गया। पूरी घटना जानने से पहले आपको पुलिस उप कप्तान यानी झंझारपुर के DSP आशीष आनंद का यह बयान जरूर सुनना चाहिए, जो उन्होंने आज चनौरागंज पंचायत में मतदान केंद्र के समीप हुई घटना पर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर दिया है। लगातार पुलिस पे जो है उग्रता का आरोप लगते रहे हैं, क्यों आखिर वायलेशन हुआ? पुलिस में उग्रता जरूरी है लेकिन वो निर्दोष लोगों के प्रति नहीं, यही हकीकत है। तो निर्दोष लोगों के प्रति नहीं, वो मेरा भी मानना है और मेरा भी काम करने का ये तरीका है, ये आप भी जानते हैं। पुलिस उग्र हो गई है। पुलिस का उग्र रूप लगभग हर जगह अब दिखाई भी देने लगा है, जो आज बिहार पंचायत चुनाव के आठवें चरण में होने जा रहे मतदान के दिन झंझारपुर के चनौरागंज पंचायत में भी देखा गया। हमारे साथ ये हम वहाँ चाय दे के आए, यहाँ रखे ये कहाँ पर? बूथ पर। हाँ, बूथ पर चाय दे के आए, हम यहाँ रखे के इसलिए, तब वो सब वहाँ दौड़ के आए, हमको घर से मारे निकाल के पुलिस वाले। हाँ, पुलिस वाले बेवजह मारे। अरे प्रमोशन लेकर आई है ना, क्या करके आई है हमको समझ में नहीं आ रहा है, ना बोलने की तमीज। प्रभारी जो है वही सब गलती का किया धराया है। देखिए वो जो अभी थाना प्रभारी है, 100 डंटा हमारे भाई को मारा है वो, 100 डंटा। आप बोल रहा है जो भाई हम देख लीजिए, हम भी प्रशासन से है, हम भी इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर है, जबकि यहीं के पुलिस कर्मी से वो पूछ करके गाड़ी लगाया, गाड़ी जब उल्टाने लगा तो बोला जो भाई रुक जाइए हम गाड़ी हटा दे रहे हैं, बस इतना ही बोला, बस 100 डंटा हमारा। झंझारपुर के SDPO आशीष आनंद ने बताया कि पुलिस उग्र जरूर है लेकिन निर्दोष को कुछ नहीं करती। कह देते हैं एक दो ऐसा आदमी आया है यहाँ आपका अतीत है जो करवाया है। हेलो, जो यहाँ जो आया हसन आते ही वहाँ पे लाठी चार्ज किया, उसके बाद एकदम जैसे जनता को मारने लगा, फिर वहाँ पे एक डॉक्टर साहब थे वो भागने लगे, वो गिर गए, उसके बाद फिर हम भी एकदम भागे, उसके बाद मेरे साथ 4 साथी था सब भागा, फिर रूम में अलग अलग रूम में भागे, हम रूम में बंद करे जो कि थर्ड में हम बचे गए, उसके बाद बाकी मारा, उसके बाद हाथ भी तोड़ दिया, मेरा दोस्त था पप्पू यादव घर से खींच के मार से खींच के मारा और एकदम बेहद गाली दिया, माँ बहन को गाली दिया, माधर चौधरी निकलो तुम यहाँ पे क्या करता है, और वहाँ पे व्यवहार कर रहा था। उसके बाद उसको बोला जी कि तुम काहे जंगल लोग को, घर वालों को भी बोला जी कि घर दरवाजा बंद करो, यहाँ पर कोई आना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम लोग को भी मारेंगे। हर पिस्टल भी ला रहा था एकदम। फिर उसके बाद फिर हम लोग जनता गोली मारेंगे कर रहा था, आते ही एकदम अधिकारी को पहचाने, क्या नाम था उसका, पहचान पाए? संजय यादव सर थे, नेहा कुमारी जो थी वो, और उसका बात करने का बड़ा छोटा का कोई एकदम नहीं था, बूढ़े एकदम रे तुम एकदम एक दो पैर लफड़ था, नेहा कुमारी खुद भी किया, उसके बाद चलो अंदर गाड़ी में बैठो अरेस्ट करते हैं, ऐसा खुद किया नेहा कुमारी। उसके बाद फिर जनता जागरूक हुए, उसके बाद सर लोग आए, अभी तक कोई डिसीजन नहीं दिया, बोले हम लोग बैठ के विचार करेंगे, उसके बाद फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। उसमें मैडम नेहा कुमारी जो प्रभारी SHO है झंझारपुर, वो बैठी हुई थी, उनके साथ 3-4 गाड़ी में पुलिस बल था। जैसे गाड़ी लगी जो मुख्य सड़क है NH 57 से ननौर चौक, उस मुख्य सड़क पर लोग आना जाना किए हुए थे, वोटर मतदाता बूथ पर जा रहे थे और बूथ पर आ रहे थे, उस मतदाता को जो वोट गिराने जा रहे थे और आ रहे थे उनको खेहाड़ खेहाड़ के पीटा गया, यहाँ तक कि गाछी कलम में जो भागे पुलिस बल के लोग गाछी कलम में भी पीट रहे थे, दरवाजे पर बैठे लोगों को भी पीट रहे थे, जबकि नियम यह है कि 100 मीटर के अंदर में भीड़ नहीं रहना चाहिए, लेकिन मतदाता को जाने और आने का अधिकार है 100 मीटर के अंदर में, कोई भी मतदाता 100 मीटर के अंदर से ही जाएगा, उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हवाई जहाज से मतदाता अपने बूथ पर नहीं जाएगा। ये जो किया गया है कार्य ये बहुत ही निंदनीय है,
बहुत ही शर्मनाक है और ये मतदाता को डराने की साजिश है। हमारे मतदाता को डराया जा रहा है ताकि मतदाता अपने बूथ पर नहीं जाए। मैं इसकी निंदा करता हूं, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और मैं वरीय पदाधिकारी से इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूं। हालांकि पब्लिक के द्वारा बताया गया कि जो तत्काल कुछ लोग आए थे उसके द्वारा जो पुलिस पदाधिकारी थे थाना झंझारपुर के, इस संदर्भ में उनके द्वारा मारपीट की गई। हमने इनका भी पक्ष जाना है और उन लोगों का भी पक्ष सुना है। इस बीच में हम अपने सोर्स से भी पता करेंगे क्या हुआ है और इसमें यदि इलीगल मतलब विदाउट लॉ बियॉन्ड द लॉ कुछ भी हुआ तो सरकार रहेगी। लगातार पुलिस पे जो है उग्रता का आरोप लगते रहे हैं, क्यों आखिर वायलेशन हुआ? पुलिस में उग्रता जरूरी है लेकिन वो निर्दोष लोगों के प्रति नहीं, यही हकीकत है। तो निर्दोष लोगों के प्रति नहीं, वो मेरा भी मानना है और मेरा भी काम करने का ये तरीका है, ये आप भी जानते हैं। और इस बीच में यह जांच होना जरूरी है कि क्योंकि इनके तरफ से जो बात कुछ बातें हमको कही गई है, उनके तरफ से कुछ बात है, जब हम इसका पूरी तरह इंक्वायरी ना कर लें तब तक उस पर कहना जल्दीबाजी। 15-20 लोगों के घायल होने की जानकारी, वो मेरे पास अभी जानकारी नहीं आई है, वो हम पता कर लेंगे। दोषी या निर्दोष यह फैसला न्यायालय का है। अब सवाल है कि पुलिस की नज़र में कौन दोषी और कौन निर्दोष, इसका फैसला कोर्ट से पहले पुलिस ही करेगी। तो न्यायपालिका की जरूरत ही क्या है? ऐसे में सुशासन की सरकार में जो पिछले कुछ समय पहले पुलिस को पब्लिक फ्रेंडली बनाने की बात कही गई थी, इसके लिए पुलिस पब्लिक संवाद जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए, क्या वह सब महज एक छलावा था? मधुबनी जिले की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहे मेरे साथ, देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल।